काशी के ज्ञानवापी में जब शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था तो कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने फव्वारा बताकर इसका मजाक उड़ाया था, जिसे बुरी तरह भड़की नुपुर शर्मा ने भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद हिंदुस्तान से लेकर अरब देशों तक के मुस्लिम बुरी तरह से भड़क गए थे और जमकर हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से बीजेपी को नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ गया। एक वो नुपुर शर्मा थी जिनके पैगंबर मोहम्मद पर दिए बोल पर बवाल मच गया, तो वहीं अब एक और नुपुर जे शर्मा के बोल पर बवाल मच गया जिन्होंने गरबा से मुस्लिमों को दूर रहने की नसीहत दी। दरअसल देश में गरबा को लेकर मचे बवाल के बीच दो पत्रकारों की इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही, जिनके बोल से सो कॉल्ड सेक्युलरों की जमात बुरी तरह से बौखलाई हुई, क्योंकि इन दोनों ही पत्रकारों ने मुसलमानों को हिंदू पर्व गरबा से दूर रहने की नसीहत जो दे दी। पत्रकार सुधीर चौधरी ने जहां पूछ लिया मुस्लिम लड़के नाम बदलकर गरबा में जाते हैं तो मुस्लिम लड़कियां नाम बदलकर क्यों नहीं जाती हैं, तो वही पत्रकार नुपुर जे शर्मा ने भी गरबा पर मचे बवाल के बीच एक ट्वीट में कह दिया, प्रिय मुसलमानों, गरबा एक धार्मिक मामला है, ये मनोरंजन नहीं है, ये शक्तिशाली देवी और उनके 9 रूपों की उपासना का उत्सव है। यदि आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो घर वापसी करें और माँ की स्तुति करें, अन्यथा कृपया दूर रहें। जब से पत्रकार नुपुर जे शर्मा ने गरबा से मुसलमानों को दूर रहने की नसीहत दी, तभी से उनके इस बोल को लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर बवाल मचा है। आरजे साइमा को नुपुर जे शर्मा की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ये नस्ल हमारे गौरवशाली राष्ट्र को बदनाम करती है, ये नफरत से बहुत भरे हुए हैं, भगवान इन्हें प्यार दे ताकि ये लोगों से थोड़ा प्यार कर सके। जिस पर नुपुर शर्मा ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, साइमा आपको ये समझने की जरूरत है, साइमा आपको ये समझने की जरूरत है कि ये ट्वीट आप जैसे जिहादन के आचरण का परिणाम है। याद रखें कि कैसे आपने CAA विरोधी हिंसा के दौरान भीड़ को पुलिस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होने के लिए उकसाया था। याद रखें कि आपने अंकित शर्मा की हत्या करने वाली मुस्लिम भीड़ का बचाव कैसे किया था। सिट द हेल डाउन। तो वही पत्रकार दिव्य कुमार सोती ने भी लिखा, मस्जिद की दीवार पर होली का जरा सा रंग गिरने पर जो दंगे करते आए हैं, उन्हें नवरात्रि पर गरबा करने जाना है, बेवकूफ समझे हो क्या हिंदुओं को। बीजेपी नेता कपिल शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, प्लीज मस्जिदों और ईदगाहों में गरबा और दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाए और सेक्युलरिज्म को सेलिब्रेट किया जाए। स्वरा भास्कर ने लिखा, सचमुच दुनिया में संघियों के खाली दिलों से छोटा कुछ नहीं। पत्रकार नुपुर जे शर्मा के इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि किस कदर सो कॉल्ड सेक्युलरों में खलबली मची हुई, जबकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुस्लिम लड़के नाम बदलकर गरबा में शामिल हो रहे हैं, जबकि हनुमान जयंती हो या फिर रामनवमी की शोभा यात्रा, कुछ खास इलाकों से ये गुजरी तो इन पर पथराव किए गए थे। ये घटनाएं सिर्फ किसी एक शहर या राज्य में नहीं हुई, देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं को लेकर सेक्युलरिज्म में ब्लू टिक सर्टिफाइड लोगों ने खूब हंगामा किया था। सभी का तर्क यही था कि उनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा कहती है कि हिंदू धर्म से जुड़ी शोभा यात्राओं को मुस्लिम इलाकों से होकर नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे मुस्लिम धर्म के कुछ कट्टरपंथियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हिंदू शोभा यात्रा के गुजरने भर से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो फिर हिंदू त्योहारों के गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में मुस्लिम समाज के युवक क्यों जाते हैं? देखा जाए तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी ही धार्मिक भावनाएं आहत होती होंगी। वैसे इस मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।